अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं टोयोटा करोला 1986 मॉडल, सिंध का नंबर है और इसका रिव्यू कराएंगे। अलायरम इंस्टॉल है, बहुत ही खूबसूरत गुड लुकिंग कार है। और ये जो टोयोटा करोला 1986 मॉडल है, इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि इसके जो कागजात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कागजात हैं। और जो फ्रंट है, फ्रंट इंजन रूम जेन्युइन बताया जा रहा है, जबकि बाकी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल है, 1986 मॉडल है, बहुत खूबसूरत और गुड लुकिंग कार है। तो इसका रिव्यू कराएंगे और इसकी कीमत भी बताएंगे कि इसकी क्या कीमत डिमांड की जा रही है। तो सबसे पहले हम बोनट खोलेंगे, इंजन रूम की तरफ जाएंगे और इंजन रूम आपको दिखाएंगे। इंजन रूम, ये आप बोनट की सूरत हाल देख सकते हैं, आप कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन है माशाल्लाह। और अगर बात की जाए कुप्पे वगैरह की, तो वो भी आपके सामने हैं, बहुत ही गुड कंडीशन में हैं। इंजन रूम भी बहुत ही बेस्ट है, अच्छी कंडीशन में है, गुड लुकिंग है, बहुत ही अच्छा, अच्छी कंडीशन में इस वक्त है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के जो इंजन रूम है वो उसकी कंडीशन क्या, आप यकीनन समझ गए होंगे कि किस हद तक अच्छी कंडीशन में ये कार है। तो इसका जो अंदर की क्या सूरत हाल है, अंदर की क्या कंडीशन है, बाहर की तो आपने देख ली, बहुत खूबसूरत कंडीशन है बाहर से इस गाड़ी की। तो दरवाज़ों की कंडीशन हम दिखाते हैं, दरवाज़ों की क्या सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। 1986 मॉडल है, टोयोटा करोला है और ये है आपके सामने, इसके दरवाजे हैं। चारों दरवाज़ों का रिव्यू कराएंगे, गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू कराएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे, अंदर भी चलेंगे। तो साथ रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आखिर तक वीडियो देखा करें ताकि आपको गाड़ी की समझ लग जाया करे। ये जो है इसका डैशबोर्ड वगैरह है, इसके डैशबोर्ड की कंडीशन आपके सामने है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है डैशबोर्ड की भी। सीटों की अगर बात करें तो सीटें भी वेरी गुड, ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा छत का भी गुजारा है, गुजारा क्या, A1 है। बैक की तरफ चलेंगे, दूसरे दरवाजे की तरफ, और ये दरवाज़ा भी आपको दिखाएंगे, कहीं जंग नज़र नहीं आ रहा, आपको इस गाड़ी में कहीं भी जंग नज़र नहीं आएगा। बैक सीटें बहुत ही खूबसूरत हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा छत और बाकी कंडीशन भी आपको दिखा चुके हैं। तो इसकी डिग्गी तो लॉक है, डिग्गी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन दरवाज़े दिखा ले चारों हम आपको। ये इसका दरवाज़ा है, तीसरा दरवाज़ा हम आपको दिखा रहे हैं बैक का। फ्रंट दरवाजे की तरफ भी जाते हैं, क्लीनर साइड का जो फ्रंट दरवाज़ा है, सीटें बहुत खूबसूरत हैं बैक की, मुझे तो बहुत दिल लगी है, ये जो सीटें हैं बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है। तो ये फ्रंट का दरवाज़ा है, आपके सामने है, कंडीशन वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो अच्छी कंडीशन है इस गाड़ी की सीटों की। ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो माशाल्लाह बहुत ही गुड कंडीशन कार है। इसकी अगर आप डिग्गी की बात करें, डिग्गी की कंडीशन देखें, तो ये भी आप देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन है। स्टेपनी सामने नहीं है तो यकीनन नहीं होगी। मालिक का नीचे नंबर आ रहा है, एक खूबसूरत गाड़ी का हमने आपको रिव्यू कराया है। इसकी जो डिमांड की जा रही है, 3.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, नीचे मालिक का नंबर आ रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। टायर भी आप देख सकते हैं, टायरों की कंडीशन भी आपके सामने है। आप अगर नए हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी का हमने आपको रिव्यू कराया है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इसकी कीमत आपको कैसी लगी, ओवरऑल कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।